नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से ज्योतिष से संबंधित ग्रह व आपकी समस्याओं से संबंधित बहुत ही सुंदर व तुरंत फलदायी उपाय आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको शास्त्र सम्मत उच्च विचार भी समय समय पर आप लोगों के लिए प्रेषित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य आपको अपने जीवन में नई संभावनाओं, अपने को बदलने, जीवन को खुशहाल बनाने हेतु प्रेरित करना रहता है। आज भी हम आप लोगों के लिए शास्त्र के 3 सर्वश्रेष्ठ विचार लेके आए हुए हैं। आप चाणक्य नीति देख लें, शुक्र नीति देख लें या धर्मशास्त्र की कोई भी नीति देख लें, इनसे बड़े विचार आपको भी शायद ना मिलें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रभावित हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इनमें पहला जो विचार बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि सफल होना है, जीवन में खुशहाल बनना है, तो उसे मौन ज़्यादा रहना चाहिए, चुप ज़्यादा रहना चाहिए, शब्दों में विराम ज़्यादा रखना चाहिए। इसके 3 फायदे होते हैं। पहला तो व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि का विकास ही सबसे बड़ा विकास है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। दूसरा, इससे व्यक्ति को समझने में मदद मिलती है, यानी कि मनुष्य को समझने में उसको उसकी कमजोरियां पता चल जाती हैं और वो उनकी कमजोरियों से ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरा बताया गया है जीवन में स्थिरता, यानी कि स्टेबिलिटी। यदि आप मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। स्थिरता बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि व्यक्ति अस्थिर ही ज़्यादा रहता है, इसलिए दुखों उसके पीछे दुख आदि लगे रहते हैं। स्थिरता में खुशहाल जीवन छिपा रहता है। दूसरा बताया गया है क्रोध को काबू करना, यानी कि क्रोध को पालना। इसके भी 3 फायदे बताए गए हैं। पहला, यह आपके जीवन में सम्मान प्राप्ति का कारण होता है। इससे आज नहीं तो कल उस व्यक्ति के नज़रों में तो आपको सम्मान मिलेगा ही, किंतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में सम्मान की वृद्धि होगी। क्रोध को पालने का सबसे बड़ा कारण पहला यह बताया गया है। दूसरा बताया गया है व्यक्तित्व निखार, यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, शरीर में वृद्धि होगी और रोग नाश होगा। कहीं ना कहीं क्रोध का एक कारण रोग भी रहता है। तीसरा बताया गया है कि आपके नज़रिए, दृष्टि, सोच में परिवर्तन आता है, आपको एक नई सोच मिलती है और परख, आप व्यक्ति को परखना सीख जाते हैं। तो क्रोध के यह 3 फायदे भी बताए गए हैं जो आपके जीवन को सफल बनाते हैं, यदि आप क्रोध पे काबू कर लेते हैं। तीसरा बताया गया है कि धन को छुपा के रखना, पैसे को छुपा के रखना, उसके सही आंकड़े कभी किसी व्यक्ति को आपके अलावा पता ना होना। इससे आपको भी 3 फायदे मिलेंगे। पहला, आप कर्ज मुक्त रहेंगे। दूसरा, कभी भी आपको धन हानि नहीं होगी और कहीं ना कहीं देर सवे आपके भीतर से दान, पुण्य व मोक्ष की इच्छा प्रकट होने लगेगी, जो कि व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बताया गया है कि स्त्री को सोने को और गंगा जल को भी व्यक्ति ने छिपा के रखना चाहिए, इन्हें भी लक्ष्मी का प्रतीक या लक्ष्मी के समान माना गया है। तो यह शास्त्र की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण 3 बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें आजमा लेता है, अपना लेता है, मौन रहना, क्रोध को पालना और धन को छिपाना, तो उसका जीवन अवश्य ही बदल जाएगा और उसके जीवन में अवश्य ही निखार आएगा और उसे स्वयं लगेगा कि इन 3 चीज़ों से बढ़कर धर्मशास्त्र में कोई चीज़ नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें आप लोगों को, ये विचार आप लोगों को भी पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्योतिष ग्रह से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के वीडियो हमारे रहते हैं, बेल आइकन आप अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।